जन अधिकार पार्टी के मुंबई कार्यालय का उद्घाटन आज शाम मुलुनिस्ट में किया गया। हम आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के संस्थापक बाबू सिंह कुशवाहा हैं, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं। जन अधिकार पार्टी के कार्यालय उद्घाटन समारोह पर कई पदाधिकारियों के नियुक्ति पत्र दिया गया और सभी लोगों को आम जनता के हक का आवाज उठाने और उनको न्याय दिलाने की बात की गई। जन अधिकार पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया कि अब पार्टी सिर्फ पिछड़ी जात के हक के लिए लड़ने का काम करेगी, जिसमें जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी करवाना और आबादी के अनुपात के अनुसार देश में सभी संसाधनों की हिस्सेदारी दिलाना, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण और छोटे शहरों में सुविधा युक्त अस्पताल का निर्माण कर योग्य डॉक्टरों की सेवा उपलब्ध कराना, किसानों के सशक्तिकरण के लिए स्वामीनाथन की आयोग रिपोर्ट को पूरी तरह लागू करवाना, महिलाओं को राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाना इनके प्रमुख उद्देश्य हैं। देखना यह है कि अब पार्टी अपने इस मुद्दों पे कितना खरा उतरती है। जन अधिकार पार्टी के महाराष्ट्र के लीगल अधिवक्ता फिरोज शेख ने इस पार्टी के बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जन अधिकार पार्टी आप देखोगे तो जितने भी डेवलपमेंट के इश्यूज हैं वो हम लेंगे। अगर आप भारत का संविधान के बारे में बात करेंगे तो उसकी जो प्रस्तावना है या जो प्लेज भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें लिखा हुआ है कि हर सिटीजन को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल भागीदारी मिलनी चाहिए। तो क्या हम डेवलपमेंट की बात करें ही नहीं? 2014 में हम लोगों ने भाजपा की सरकार को वोट्स इसलिए दिलवाए या दिए कि वो डेवलपमेंट की बात कर रही थी, कि जो कांग्रेस नहीं कर पा रही थी। तो 70 साल में जो कांग्रेस ने नहीं किया, क्या वो भाजपा ने 4 साल में कर दिया? मेरे ख्याल से जो 70 साल में नहीं हुआ वो इन्होंने 4 साल में कर दिया। और ये हम सब देख रहे हैं, ये सब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जहां तक आप देखोगे महाराष्ट्र में 13,000 स्कूल्स बंद कर दिए गए। ये 13,000 स्कूल्स में पढ़ते कौन है? सिंपल क्वेश्चन, कौन पढ़ता है ये 13,000 स्कूल में? कोई करोड़पति का बच्चा जाके नहीं पढ़ता है स्कूल में। जो गरीब का बच्चा है, जो माइनॉरिटीज का है, जो सबसे सोशली वीकर सेक्शन का बच्चा है, यानी क्लास की बात कर रहे हैं हम, कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जो सबसे सोशली वीकर सेक्शन है, SC है, ST है, माइनॉरिटीज है, महाराष्ट्र में वैसे 13,000 स्कूल बंद कर दिए गए। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में माइनॉरिटीज का और जो गरीब महाराष्ट्रियंस हैं उनके स्तर पे क्राइम रेट्स बहुत बढ़ा दिया जाएगा। फिर यही गवर्नमेंट आपको बोलेगी कि मुस्लिम्स लड़ते हैं, क्राइम रेट इनका बढ़ा हुआ है, क्राइम ग्राफ इनका बढ़ा हुआ है। आप अगर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करोगे तो क्या कौन सा ग्राफ बढ़ेगा? तो देखा आपने कि किस तरह से महाराष्ट्र के लीगल अधिवक्ता फिरोज शेख ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कितने सवाल खड़े किए। आज हम खड़े हैं मुंबई के मुलुन इलाके में और हम बात करेंगे कि यहाँ आज जन अधिकार पार्टी के एक कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। हम आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी वही है जिसके कर्ता धर्ता बाबू सिंह कुशवाहा है। बाबू सिंह कुशवाहा कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लेकिन मीडिया की माने तो बाबू साहब कुशवाहा भी राजनीति के शिकार होने के बाद 2016 में इस पार्टी की स्थापना किए। आइए हम जानेंगे यहाँ की महिला प्रेसिडेंट सुषमा मौर्य से कि इस पार्टी का मोटो क्या है और क्यों ये पार्टी महाराष्ट्र में भी लॉन्च की गई है। मैडम, आप बताएंगे ये पार्टी का मोटो क्या है और ये पार्टी क्यों लॉन्च की गई है? जैसा आपने अभी बताया कि राजनीति का शिकार बाबू सिंह कुशवाहा हुए हैं। बाबू जी मायावती के मिनिस्ट्री में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और उनके साथ साजिश की गई। बाबूजी को झूठे केसों में फंसाकर 4 साल जेल भेज दिया गया। उसके बाद सारे आरोपों से बरी होकर बाबू सिंह कुशवाहा जी जेल से बाहर आए। उसके बाद उन्होंने 2016 में जन अधिकार पार्टी की स्थापना की, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों पर जो अत्याचार हर जगह पर हो रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग के नाम पर हर राजनीतिक पार्टी अपनी रोटी सेकती हैं, लेकिन किसानों के मुद्दे पर सब सत्ता में तो आ जाते हैं लेकिन किसानों की लड़ाई कोई लड़ता नहीं है। आज महिलाओं पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, रोज बलात्कार की घटनाएं आ रही हैं। बीजेपी सरकार में जहाँ जहाँ प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, अगर वहाँ वहाँ पर आप देखेंगे कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं,
किसानों की आत्महत्याएं बढ़ी है, जीडीपी की ग्रोथ गिरी है, शिक्षा का बजट कम कर दिया गया है, स्वास्थ्य का बजट कम कर दिया गया है, संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं, शिक्षा स्वास्थ्य और आपकी सुरक्षा ये आपके सरकार का काम है उनको देना, लेकिन सरकार ये भूल गई है। जन अधिकार पार्टी के मार्फत यहाँ पे जन अधिकार पार्टी की स्थापना हो चुकी है, जो पिछड़ों अल्पसंख्यकों दलितों की लड़ाई लड़ेगी, किसानों की लड़ाई लड़ेगी, महिलाओं की लड़ाई लड़ेगी, महिला सुरक्षा की बात करेगी, अच्छी सड़कें, अच्छा स्वास्थ्य ये हमारा अधिकार है। मैडम, मोदी सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा को लेके इतने बड़े बड़े वादे किए थे, जो आपका कहना है कि पूरा फेल जा रहा है जी, तो जन अधिकार पार्टी में आप भी एक महिला हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, आप महिलाओं के लिए क्या ऐसा योजना लाने वाली है कि महिलाओं की सुरक्षा हो सके? देखिए, मैं एक महिला हूँ और साथ में एक माँ हूँ। आज मेरी बेटी जब स्कूल निकलती है ना, तो मुझे एक डर सा बना रहता है, क्या मेरे बच्चे सुरक्षित है? मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए थे कि महिला सुरक्षित होगी, कानून का डर होगा, पर अगर आप देखें कि जहाँ जहाँ बीजेपी शासित प्रदेश है, वहाँ पे महिलाओं के, बच्चियों के, छोटी छोटी बच्चियों को नोचने खसोटने का काम ये लोग करते हैं। क्यों? उनको कानून का डर निकल चुका है। अगर आप परसों देखें, एक बच्ची इतनी घायल होगी, मुझे बताते हो कि मुझे बहुत दर्द होता है, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और वो दर्द समझ सकती हूँ। पर ये सरकार फेल हो गई है महिला सुरक्षा देने में, बच्चियों की सुरक्षा करने में। रोज आए दिन न्यूज़पेपर आप उठाएंगे तो कहीं ना कहीं एक दो बच्चियों का बलात्कार आपको दिखेगा, और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि ये सरकार, निकम्मी सरकार, महिला सुरक्षा देने में फेल हो गई, और इनके जो मंत्री हैं कहीं ना कहीं वो महिला शोषण में उनका नाम भी जुट आ रहा है। तो आपको लगता है कि जो शासक है, जो भक्षक है, वो रक्षक हो सकता है क्या? इनके मन, आपके पार्टी का एक टैग लाइन है कि ओबीसी की एकता, ओबीसी की सत्ता जी, इस टैग लाइन के पीछे क्या कारण है? क्योंकि हर पार्टी कहीं ना कहीं दलितों पे ही अपनी राजनीति की रोटी सेकती है जी। देखिए, इसमें हमने सिर्फ ओबीसी की सत्ता, ओबीसी की एकता इसलिए कहा गया है क्योंकि जो भी सरकारें आती है उन्होंने ओबीसी को बहुत सारे जात पात में बांट कर रख दिया है। ओबीसी का मेजर वोट बैंक है 65%। अगर जातिगत जनगणना जो 2012 में की गई थी, अगर उसको बाहर सरकार लाए तो देखेंगे कि उनकी आबादी 60 से ऊपर है। तो ओबीसी और अल्पसंख्यक दलितों तीनों को मिलाकर एक राजनीतिक शुरुआत महाराष्ट्र में की जा रही है, इसलिए हमने ये सिर्फ टैग लाइन दी है। लेकिन उसमें हमारे साथ आप देखेंगे कि वंदना मेश्राम और सुलोचना ताई कामले, एडवोकेट फिरोज शेख, शकील अहमद, मतलब हम हर लोगों को लेके चल रहे हैं, लेकिन हम ओबीसी को आगे करके चल रहे। एक लास्ट सवाल है मैडम, 2019 में आपकी क्या रणनीति होगी बीजेपी से मुकाबला करने के लिए? जन अधिकार पार्टी उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, कई सारे प्रदेशों में काम शुरू कर चुकी है। जहाँ जहाँ हमारा संगठन तैयार हो जाएगा, वहाँ वहाँ पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, और 2019 भी बिल्कुल लड़ा जाएगा। कुछ सीटों पर हम फोकस लड़ेंगे जहाँ संगठन खड़ा होगा। कुछ आज कार्यकर्ताओं को भी अपॉइंट किया गया है महाराष्ट्र लेवल पे, मुंबई लेवल पे, असेंबली लेवल पे, जिला लेवल पे, और जहां संगठन खड़ा होगा वहां बिल्कुल लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। तो देखा आपने कि किस तरह से जन अधिकार पार्टी की महिला प्रेसिडेंट सुषमा मौर्या ने बीजेपी पे हमला करते हुए महिलाओं के मुद्दे को आगे किया है। अब देखना यह है कि 2019 में जन अधिकार पार्टी कितना खरा उतरती है। कैमरा पर्सन कमलेश मौर्या के साथ चंद्रभूषण विश्वकर्मा, मुंबई। आप जेजेबी न्यूज की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राजनीति की हर पहलू तक, हर अपराध की तह तक हम उठाते हैं आपकी आवाज, सरकार तक पहुंचाते हैं आपकी समस्या, क्योंकि हम हैं जनता जनार्दन विश्वास न्यूज। जेजेबी न्यूज, जनता की बात जनता के साथ।